हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माय सेल्फ प्रियंका। सो मीडिया एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे। पहला क्वेश्चन है आपका, आप इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये आम आदमी पार्टी रही है, आप है तो ये किस न्यूज़ एजेंसी है, कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है? ऑप्शन आर ऑस्ट्रिया, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल गजट। ऑप्शंस आर जेम अगस्टस हिकी, बाल गंगाधर तिलक, जी के घोखले या फिर मोतीलाल घोष। तो बंगाल गजट के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके जेम्स हिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स अगस्टस हिकी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म। ऑप्शंस आर येलो जर्नलिज्म, टैबलॉइड जर्नलिज्म, बकेट जर्नलिज्म, एनवलप जर्नलिज्म। तो इनमें से जो जर्नलिज्म नहीं कहलाता है वो है आपका बकेट जर्नलिज्म। बकेट जर्नलिज्म किसी टाइप का जर्नलिज्म नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ द वेरियस न्यूज़पेपर फॉर्मेट। इनमें से कौन सा न्यूज़, ये सारे ही न्यूज़पेपर फॉर्मेट है लेकिन जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर फॉर्मेट है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके टैबलॉइड, कॉम्पैक्ट, बर्लाइनर या ब्रॉडशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट जो है लार्जेस्ट न्यूज़पेपर फॉर्मेट है। फिफ्थ क्वेश्चन, द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शन आर रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट नाइट, जिम कॉर्बेट या विलियम जेम्स। तो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर जो है वो फाउंड किया था आपका रॉबर्ट नाइट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नाइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस आर स्टाइलिस्टिक एडिटिंग, स्ट्रक्चरल एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या कॉपी एडिटिंग। तो जो एडिटिंग की फाइनल स्टेज होती है वो होती है प्रूफ रीडिंग, जिसमें देखा जाता है कि कोई त्रुटि या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, इसलिए प्रूफ रीडिंग फिर से की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रूफ रीडिंग इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, राम मोहन रॉय, एम एम मालविया या एम के गांधी। तो कॉमनवेल्थ जो है वो फाउंड किया था एनी बेसेंट ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन, योमियोरी शिम्बुन इज अ फेमस डैश न्यूज़पेपर। ऑप्शंस आर चाइनीज, जापानीज, कोरियन या नाइजीरियन। तो योमियोरी शिम्बुन जो है एक जापानीज न्यूज़पेपर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ क्वेश्चन, अ वायर सर्विस इज अ। ऑप्शंस आर न्यूज एजेंसी, केबल नेटवर्क, वायर प्रोवाइडिंग लाइव रेडियो प्रोग्राम्स या नन ऑफ द अबव। तो वायर सर्विस जो है एक न्यूज एजेंसी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। टेंथ क्वेश्चन, इंडियाज ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इज। ऑप्शंस आर द हिंदू, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस। तो इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर भारत का सबसे ओल्डेस्ट है वो है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। इलेवेंथ क्वेश्चन, अ सिटकॉम इज अ। ऑप्शंस आर सिटी कॉम्बिनेशन, सिचुएशनल कॉमेडी, अ प्राइवेट टीवी चैनल या नन ऑफ दीज। तो सिटकॉम जो है एक सिचुएशनल कॉमेडी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिचुएशनल कॉमेडी। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने मीडिया एप्टीट्यूड के आज देखे, ऐसे ही कल भी देखेंगे। तो वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।